धमाका सिंह धीरे धीरे धीमे पाव रिया के घर के पास पहुंचता है और खिड़की का कांच तोड़ के रिया के घर के अंदर घुस जाता है। धमाका सिंह को खबर मिली थी कि खजाने का नक्शा रिया के पास है। उसी की तलाश में धमाका सिंह रिया के घर में घुस जाता है। धमाका सिंह को रिया के घर पे एक कबर्ड मिलता है। धमाका सिंह उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि कबर्ड लॉक्ड है। कबर्ड के बाजू में 4 सिंबल्स बने हुए हैं और एक सिंबल मिसिंग है। नीचे 3 बटन्स है, तीनों बटन्स पे सिंबल बने हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा बटन प्रेस करने पे कबर्ड खुल जाएगा? गलत बटन दबाया तो धमाका सिंह की धज्जियां उड़ जाएगी। जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। धमाका सिंह समझ जाता है करेक्ट बटन ए है। अगर आप सिंबल्स को ध्यान से देखेंगे तो वो नंबर्स का रिफ्लेक्शन है और ऑड नंबर्स है। जैसे पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7, तो पांचवा आएगा 9। और ए इमेज 9 का रिफ्लेक्शन है और वो ज्वाइन किया हुआ है। धमाका सिंह समझ जाता है और करेक्ट बटन ए प्रेस कर देता है। वो बटन प्रेस करता है तो कबर्ड खुल जाता है। धमाका सिंह को खजाने का नक्शा मिलता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि खजाने का नक्शा शुरू कहां से होगा। तभी उसे बाजू में एक पेपर मिलता है जिसपे एक पहेली है और नीचे लिखा हुआ है जादुई किताब। क्या आप ये पहेली सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइड के नंबर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे के नंबर का एडिशन आपको बीच का नंबर देगा। जैसे 4 × 1 = 4 हो गया, नीचे का नंबर +4 तो 8 हो गया। वैसे ही 5 × 2 = 10 हो गया, नीचे का नंबर +2 तो 12 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 4 × 2 = 8 +3 = 11 हो गया। तो आंसर हो गया 11। मतलब जादुई किताब की 11वीं कहानी में जाना है। धमाका सिंह की चतुराई के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 11वीं कहानी में लाल डायमंड रखा हुआ है। कई साल पहले राजा कहानी प्रताप ने उसे वहां छुपाया था। धमाका सिंह तुरंत गोगो के अड्डे पहुंच जाता है। देखते हैं आज अड्डे में जाने का कोड क्या है। धमाका सिंह आगे जाता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड एक पिक्चर देता है और बोलता है इसमें 4 परी बनी हुई है, तुम्हें बताना है इनमें कौन सी परी अलग है। क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सी परी अलग है, ए बी सी या डी? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। धमाका सिंह बता देता है परी सी अलग है। धमाका सिंह अंदर जाता है और नक्शे के बारे में गोगो को बताता है और दोनों जादुई किताब की कहानी नंबर 11 में घुस जाते हैं। अंदर जाने के बाद धमाका सिंह नक्शा निकालता है तो उसमें एक पहेली होती है। जमीन के ऊपर रहता है, जमीन के अंदर भी रहता है, धुआं बंद गगन भी छूता है और इधर उधर भी बहता है। क्या आप बता सकते हैं ये चीज क्या है? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और इसका सही जवाब है पानी। धमाका सिंह और गोगो ये समझ जाते हैं तो वो कहानी 11 में पानी ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो नदी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि नदी पार कैसे करें और आगे क्या करें। तभी उन्हें एक पेड़ दिखता है। वो पेड़ के पास जाते हैं तो वहां उन्हें एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल उनसे यहां आने का कारण पूछती है तो गोगो उसे बताता है कि वो लाल हीरे की तलाश में है। चुड़ैल उन्हें बताती है कि लाल हीरा नदी के उस पार है जिसे पाने के लिए नदी पार करनी होगी। दोनों चुड़ैल से मदद मांगते हैं तो चुड़ैल उनसे 3 पहेली पूछती है। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इससे कौन सी लड़की का नाम बनेगा। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए।
की प्लस रन तो लड़की का नाम हो जाएगा किरण। गोगो इसका जवाब दे देता है तो चुड़ैल उनसे दूसरी पहेली पूछती है। बताओ ये तितली उन पुलों तक कौन से रास्ते से पहुंचेगी, ए बी या सी, क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और तितली रास्ते बी से पहुंचेगी। धमाका सिंह इसका भी जवाब दे देता है तो चुड़ैल उनसे तीसरी पहेली पूछती है। बताइए आपके मामा की मम्मी के पति की बेटी आपकी क्या होगी, मौसी, नानी, बुआ या बहन? जल्दी से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और इसका सही जवाब होगा मौसी। मामा की मम्मी मतलब आपकी नानी, नानी के पति मतलब आपके नाना, और उनकी बेटी मतलब आपकी मौसी। गोगो और धमाका सिंह तीसरी पहेली का भी जवाब दे देते हैं तो चुड़ैल उन्हें उस पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा देती है। गोगो सोच में पड़ जाता है कि लकड़ी के टुकड़े का वो क्या करेगा, तो चुड़ैल हंसती है और बोलती है, ये लकड़ी का टुकड़ा ही तुम्हें नदी पार कराएगा, इस पे बैठ जाओ और उड़ जाओ। गोगो और धमाका सिंह लकड़ी पे बैठ के उड़ते हैं और उड़ते उड़ते नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करते से लकड़ी का टुकड़ा गायब हो जाता है और उन्हें सामने एक गुफा दिखती है। गुफा में बहुत सारे बैट्स रहते हैं। क्या आपको पता है बैट ऐसे जगह पे क्यों होते हैं और हमेशा उल्टे क्यों लटके रहते हैं? इस पोजीशन को रूस्टिंग बोलते हैं। बैट्स रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, मतलब दुनिया से अपोजिट करते हैं। इसलिए वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां वो सेफ रह सके। इसलिए गुफाओं और कोनों में बैट्स रहना पसंद करते हैं। उनकी पैरों की हड्डियां बहुत कमजोर होती है तो वो उस पे वेट नहीं दे सकते। उल्टा लटकने से उनका पूरा वजन उनकी बॉडी पे आ जाता है और उल्टा रहने से उनको उड़ने में भी बड़ी आसानी होती है। बैट्स के विंग्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि जगह से उड़ान भर सके, और उनके पैर कमजोर होने की वजह से वो भाग के उड़ भी नहीं सकते। उल्टा लटकने की वजह से वो आसानी से खुद को एयर में ड्रॉप करते हैं तो उन्हें एक मोमेंटम मिल जाता है और फिर आसानी से उड़ पाते हैं। दिन का समय है तो बैट सो रहे हैं। गोगो बैट से बचता हुआ गुफा के अंदर पहुंच जाता है तो उसे वहां वैम्पायर मिलता है, और वो लाल हीरा वैम्पायर के पास रखा हुआ होता है। वैम्पायर वो हीरा किसी को नहीं देता। उसे पाने के लिए गोगो को वैम्पायर को हराना होगा। गोगो अपने पॉकेट से सिल्वर नाइफ निकालता है तो वैम्पायर उससे डर जाता है और वहीं रुक जाता है। वो गोगो से कहता है कि हीरा को संभालने के लिए शक्ति चाहिए, मेरी इन पहेलियों का जवाब दो तभी मैं तुम्हें हीरा दे पाऊंगा। और वो गोगो से तीन पहेली पूछता है। पहली पहेली, आपके सामने 5 पिज्जा बॉक्सेस रखे हैं। मैं पिज्जा को बॉक्स ए के नीचे रख रहा हूँ, अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के नीचे रहता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे मिस हो गया तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, और अगर आपको पता है तो आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और इसका सही जवाब है पिज्जा बॉक्स ए के नीचे है। गोगो जवाब दे देता है तो वो गोगो से दूसरी पहेली पूछता है। बताओ गोगो, अगर आज संडे है तो आज से 47 डेज बाद कौन सा दिन होगा, क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। गोगो जवाब दे देता है फ्राइडे। आज संडे है तो 7 दिन बाद वापस संडे आएगा, तो ऐसे ही 7 6 42 42nd डे जो होगा वो संडे होगा। 47 माइनस 42 5,
मतलब हमें संडे के बाद का पांचवा दिन पता करना है और वो हो जाएगा फ्राइडे। गोगो इसका जवाब भी दे देता है। तो वो गोगो से तीसरी पहेली पूछता है, बताओ गोगो इस सिचुएशन से कुशल कैसे निकल सकता है? आपको क्या लगता है कुशल क्या करेगा? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो झाड़ के पास बंदूक रखी हुई है, तो कुशल झाड़ के ऊपर की डंगाले तोड़ता है और शेर पे फेंकता है। उससे शेर का ध्यान थोड़ा सा भटकता है, वो तुरंत नीचे उतर के बंदूक उठाता है और शेर पे गोली चला के बच जाता है। गोगो तीनों पहेलियों का जवाब दे देता है, तो वैम्पायर उसे लाल हीरा दे देता है। गोगो गुफा से बाहर आ जाता है, लेकिन अब सवाल ये था कि गोगो वापस कैसे जाएगा। तभी उसे सामने दो जंगल दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं गोगो को कौन से जंगल से जाना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये वाले जंगल के ट्रीज को देखिए, 11 बना रहे हैं और गोगो 11वीं कहानी में है। तो गोगो और धमाका सिंह पेड़ों के बीच में जाते हैं। एक आंधी आती है और दोनों को वापस अड्डे में लेके चले जाती है। गोगो के पास अब लाल हीरा भी आ गया है। अब क्या हासिल करेगा गोगो आगे और कौन कौन से नए राज छुपे हैं इस कहानियों में, देखते हैं अगले वेंसडे ठीक 6:45 PM को। थैंक यू।